प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है आप समझिए तो सही, बहुत ही आसान है। क्या है देखिए, ये एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, प्लेन धरती पर खड़ा है, एक दीवार है, ये है दीवार, एक लड़का खड़ा है, एक बॉल लिया है, बॉल बॉल गेंद गेंद को ऐसे फेंक रहा है, तो गेंद इस दीवार से टकराएगा फिर इसके पास आएगा, तो यहाँ पर परावर्तन हुआ किसका, गेंद का। किसका भैया, गेंद का। जैसे आप लोग बंद कमरे में बोल दो, आप लोग नहीं हम भी बोलेंगे, बंद कमरे में अगर बोल देते हैं तो आवाज़ जाती है, टकराती है दीवार से और हमारे पास आ जाती है, ये किसका परावर्तन है, ध्वनि का, यानी कि जो हमारी आवाज़ का क्या है, परावर्तन है। भाप ले लो, भाप, भाप नहीं समझते हो, भाप ले लो, भाप को कहीं मारो, मारोगे टकरा के आएगा तो वहाँ से भाप का परावर्तन हो गया। इसी तरह ताप का भी परावर्तन होता है, किसका, ताप का, और इसी तरह प्रकाश का परावर्तन होता है, किसका, प्रकाश का। क्या करेंगे, जब प्रकाश हम किसी भी परावर्तक तल पे मारेंगे तो वहाँ से प्रकाश टकरा के फिर ससुर हमारे की तरफ आ जाएगा, वहाँ से टकरा के हमारी तरफ आ गया, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बड़ी आसान है ससुर, इतने आसान है। देखिए ये है, हम परावर्तक तल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भैया, परावर्तक तल। परावर्तक तल मतलब एक प्लेन समतल सा, सीधे सीधे से समतल प्लेन होता है, जिसका एक भाग कलई किया रहता है, कलई मतलब पेंट कर देते हैं, यहाँ पर इसका एक भाग हम लोग कलई कर देते हैं। अगर इसको ऐसे कलई कर दिए, इधर से एक प्रकाश किरण आएगी, अब ये प्रकाश किरण ससुरा इधर से आया है ही प्लेन पे, क्या गया, टकरा गया, टकरा गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया ना। जब एक्सीडेंट हो गया तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे टकरा के चली जाएगी। अब देखिए इधर से आया, इधर चला गया, जिस बिंदु पे टकराया यहाँ पर अपने पढ़ने की सुविधा के लिए, होता नहीं एक्चुअल में, आभासी होता है, अपने पढ़ने की सुविधा के लिए एक अभिलंब खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक अभिलंब खींच देता हूँ, याद रखिएगा ये आभासी होता है, एक्चुअल नहीं होता है। अरे आप ऐसे देख सकते हैं, आप जाते हैं शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशा दर्पण ना होता है घरवा में, उसके सामने खड़े होते हैं, बाल बाल ऐसे बनाते हैं बकायदा, तो क्या उसमें परावर्तन तो हो रहा है ना, प्रकाश के किरणों का परावर्तन हो रहा है भैया वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर है ये अभिलंबो दिखता है क्या, शीशे में से चौक चौक को निकला रहता है, दिखता है क्या, नहीं ना। तो ये आभासी होता है, कैसा होता है, आभासी, क्यों बनाते हैं, ताकि हमको समझ आ जाए चीज़ें, जब भी ये परावर्तन हम पढ़े या फिर अपवर्तन पढ़े चीज़ों अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए अभिलंब मानते हैं, होता नहीं है मानते हैं। तो ये अभिलंब है और ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, यहाँ पर क्या कर रही है, कोण बना रहे, इसे आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, आपतन कोण है, देखो जा रही है, क्या कर रही है, जा रही है, तो ये जाने वाली किरण है, ये अभिलंब के साथ कोण बना रही है, यहाँ पर बना रही ना, कहाँ, हाँ तो ये बना रही, तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के कुछ नियम हैं, हम जान लेते हैं क्या नियम है। पहला नियम तो यही है कि ये जो आई है आर के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई बराबर आर के होना चाहिए, तो आई बराबर आर का, हमसे परावर्तन का नियम पूछे, कितने नियम हैं, दो नियम, एक पहला बराबर आई बराबर आर, पहला हो गया आई बराबर आर, दूसरा ये आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली प्रकाश किरण, क्या, आने वाली, जाने वाली और है अभिलंब, तीनों एक तल में ही होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तीनों एक तल में होना चाहिए। तो याद रखिएगा आने वाली, जाने वाली और अभिलंब तीनों कहाँ होना चाहिए, एक तल में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ये होता है रेगुलर, हाँ एक बात और याद रखिए, क्या रखिए, बड़ी आसान है, बहुत आसान है, देखिए ये परावर्तन हमने करा दिया, किसका, प्रकाश का, आप परावर्तन समझ भी गए होंगे, ये जो परावर्तन हो रहा था एक प्लेन से हो रहा था, रेगुलर शेप से हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा मतलब ऐसे ऐसे ले लेता हूँ, ऊबड़ खाबड़ ले लेता हूँ, ऊबड़ खाबड़ पे ले लेता हूँ, अब यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, बने रहने देते हैं, सूरा छोटे छोटे समझो, अच्छा यहाँ पर समझिए, कहाँ पर समझिए, लोग ऐसे बना देते हैं, ऊबड़ खाबड़ बना देते हैं, जो प्लेन है ऊबड़ खाबड़ है, अब यहाँ प्रकाश आएगा तो ऐसे नहीं जाएगा, ज़रूरी नहीं कैसे जाए, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, तो यहाँ भी प्रकाश का परावर्तन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं, मान लो दूसरा प्रकाश किरण भेज दे, सूत्र हो सकता है इसी रास्ते में से लौट जाए, ऐसे आए और ऐसे लौट जाए, हो सकता है, इसके शेप की वजह से ऐसा हो रहा है ना, है जो प्लेन है
प्लेन तो ही नहीं सुन रहा है, उबड़ खाबड़ है, इससे सतह इरेगुलर शेप है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ये नियम ना लगा देना है, ये नियम हुआ यहाँ ना लगा देना, नहीं तो यहाँ नहीं लगेगा भैया। लेकिन परावर्तन यहाँ पर भी हो रहा है, क्या हो रहा है, परावर्तन यहाँ पर भी हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर भी। आप ऐसे ले लीजिए, इधर पर जो प्लेन बना है ऐसे सीधे सीधे है, इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे इस भाग को पेंट कर दीजिए, इस भाग को पेंट कर दीजिए, और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गुजारिए, तो ये ऐसे जा सकता है। हो सकता है कुछ केस में, कुछ केस में ये नियम लग सकता है इस पे या इस पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लगी जाए, ज़रूरी नहीं है कि लगी जाए। लेकिन जब ऐसे प्रकाश का प्रवर्तन होगा तो हमेशा इस नियम को मानना पड़ेगा, याद रखिएगा इस नियम को, इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाए, हो सकता है सूर्य इधर ही चला आए, ऐसे आएगा, हो सकता है इधर ही चला जाए। तो यहाँ पर इस नियम को ना अप्लाई कर देना, क्योंकि ये प्लेन के लिए है। किसके लिए भैया? प्लेन के लिए। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन पर आधारित जो यंत्र है हम उसको पढ़ेंगे। कौन सा यंत्र है? अरे दर्पण नहीं जानते हैं तो दर्पण पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज की सारा चीज़ समझ आया। समझ आए तो यार थोड़ा वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो ना लाल कलर में लिखा है उसको क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा बड़े।